हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ पार्टी स्टाइल शाही जीरा राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैंने नॉर्मल जीरा राइस में और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसे कुछ स्पेशल तरीके से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। जयंतीस किचन हिंदी में आपका स्वागत है। पार्टी स्टाइल शाही जीरा राइस बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने 2 कप बासमती राइस ले लिया है, जिसे मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रखा था। ये देखिए, ऐसे लंबे दाने वाले चावल लेने हैं आपको। और फिर यहाँ पे मैंने लगभग 2.25 गिलास पानी या 4.5 कप पानी ले लिया है। चावल और पानी का रेशियो आपको पर 1 कप चावल के 2.25 कप पानी ही लेना है। इसी रेशियो में आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। फिर 8 से 10 काजू ले लिया है और ये 2 बड़े चम्मच घी लिया है। और फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे 2 छोटे चम्मच जीरा। आप चाहे तो इसकी जगह शाहजीरा या कैरेवे सीड्स भी यूज कर सकते हैं। फिर हम कुछ घड़े गरम मसाले लेंगे। ये मैंने यहाँ पे 1 तेज पत्ता लिया है, 3 छोटी इलायची लिया है, जिसे मैंने ऐसे हाथ से थोड़ा सा तोड़ लिया है, ये देखिए ऐसे, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग और 1 इंच बड़ी 2 दालचीनी का स्टिक और 8 से 10 साबुत काली मिर्च ले लिया है। फिर कसूरी मेथी लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच नींबू का रस लिया है, 1 बड़ा चम्मच नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। और यहाँ पे 1 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है और 1 हरी मिर्च को ऐसे तिरछा करके काट लिया है। आप अगर ज्यादा तीखा खाते हैं तो 1 की जगह आप 2 ही भी यूज कर सकते हैं। और ये धनिया पत्ती मैंने यहाँ पे लिया है बारीक काटकर, 2 बड़े चम्मच। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने एक हेवी बॉटम वाला पैन गरम करने के लिए दे दिया था, ये अब गरम हो गया है। अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें काजू ऐड कर देंगे और इसमें दोनों तरफ से लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक इसे लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। इसे बीच बीच में थोड़ा चलाते रहिए। ध्यान रखिए कि काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और बर्न भी हो जाता है, इसलिए गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखिए इस समय। ये एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, अब इसे दूसरी तरफ भी एक बार पलट देंगे। अब हम इसे एक बोल में निकाल के साइड में रख देंगे। इसके बाद अब हम इसमें अपने सारे खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे और इसे भी 1-2 मिनट तक धीमी आंच पे भून लेंगे, जब तक कि इसमें से एक अच्छी खुशबू ना आ जाए। फिर इसमें जीरा ऐड कर देंगे और इसे भी कुछ देर तक भून लेंगे। बस ये हल्का सा भुन गया है, हमें इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। फिर इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे।
इसे ऐसे दोनों हाथों से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। इससे कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है वो और बढ़ जाएगा। इसे भी कुछ देर चला लेंगे। इसमें से अब बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें अपना अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब इसका एक रॉ स्मेल चला जाए उसके बाद इसमें हम चावल ऐड कर देंगे जो मैंने पहले से ही भिगो के रखा था। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ा तब तक भूनेंगे जब तक कि चावल से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। दो ढाई मिनट मैंने यहाँ पे भून लिया है। ये देखिए इसका सारा मॉइस्चर अब चला गया है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। नमक दे देंगे। और ये नींबू का रस भी इसमें ऐड कर देंगे। ये नींबू का रस देने से ये जो चावल हमारे बनेंगे वो बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और वो जरा भी स्टिकी नहीं बनेंगे। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें ये फ्राई किए हुए काजू भी ऐड कर देंगे। और ये थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। थोड़ा मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा बाद में ऐड करूंगी। इन सबको अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक बार खोल के चेक कर लेंगे। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। इसका मतलब अभी ये थोड़ा देर और पकेगा। इसी समय अब हम इसमें ये हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च मैंने इसमें बाद में इसलिए ऐड किया है ताकि इसका कलर ना खराब हो जाए। और इसे फिर से ढक देंगे। और 5 मिनट हो गया है। इसे एक बार हम फिर से चेक कर लेंगे। ये देखिए अब ये पूरी तरह से हो गया है। इसे चेक करने का मैं आपको एक और टिप दे रही हूँ। आप इसमें एक स्पैटुला डाल के देख ले, अगर ये क्लीन आता है तो इसका मतलब चावल में कोई भी मॉइस्चर नहीं है और ये परफेक्टली कुक हो गया है। अगर ये स्टिकी स्टिक आता है यानी कि इसमें अगर चावल चिपक जाए तो इसका मतलब ये अभी पूरी तरह से कुक नहीं हुआ है। अब हम इसमें बाकी बचा हुआ धनिया पत्ती ऐड कर देंगे।
बस हमारी ये पार्टी स्टाइल शाही जीरा राइस सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे हम एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। इसे आप कोई भी ग्रेवी वाली डिश या रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही टेम्पटिंग और वो भी बिना प्याज लहसुन वाले प्योर वेज रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी कुकिंग।